गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, आपकी इतिहास की बुक में चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है आखेट खाद्य श्रृंखला से भोजन उत्पादन तक, यानी कि हम इतिहास के प्रारंभिक कालों से पढ़ रहे हैं। हम पिछले लेसन में पढ़ा था हमने कि प्रारंभिक काल में कैसे उत्खनन कैसे हुआ, किस प्रकार से अवशेष मिले हैं और अवशेषों से हमें क्या जानकारी मिली है, वो चीज़ें थी। अब यहाँ पर हम जो सभ्यताएं मिली हैं वो किस प्रकार से रहा करती थी, किस प्रकार से शिकार किया करती थी, किस प्रकार का उनका रहन सहन था, वो भोजन का उत्पादन कैसे करती थी, कहाँ पर वो भोजन किया करते थे, इन चीज़ों के बारे में जानकारी है इसमें। तो इस लेसन में एक स्टार्टिंग में एक टॉपिक दिया है तुषार की रेल यात्रा। अब वो तुषार है, रेल के अंदर बैठता है, वो किसी शादी प्रोग्राम में जा रहा है दिल्ली से चेन्नई, और वो रेल में बैठता है, अपने चाचा के साथ बैठता है। रेल जब चलती है तो उसे मतलब पेड़ पौधे दिखाई देते हैं चलते हुए, इस प्रकार से जैसे कि इसमें दिया है, पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके चाचा उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की। यानी कि कहने का मतलब है इतिहास अपनी जो यात्राएं हैं या साधन हैं यात्राओं के, उनकी जो शुरुआत है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, 150 से 200 साल के बीच का इतिहास ही है कि हम जो नवीन जो साधन है जिनसे हम यात्राएं करते थे। तो तुषार सोच रहा है क्या लोग पहले कहीं घूमते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, या कहीं यात्रा नहीं किया करते थे, तो इससे संबंधित है। तो पहला टॉपिक है इसमें, पहले नंबर पे दिया है आरंभिक मानव, जिसको हम दूसरे शब्द में आदि मानव भी बोल सकते हैं, आदि मानव जो शिकार करते थे, घुमंतु थे और एक प्रकार से एक जगह पर नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, उनका कोई व्यवस्थित ठिकाना नहीं होता था, उसे हम एक प्रकार से आदि मानव कह सकते हैं। तो उससे संबंधित है, तो उससे संबंधित सबसे पहले आता है इसमें, देखो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के तीनों ओर समुद्र लगता है तो एक द्वीप के रूप में है, तो ये एक प्रकार से उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। उपमहाद्वीप में बीस लाख साल पहले की भारत की जो व्यवस्था है वो सभ्यता का विकास पहले से है। 20 लाख साल पहले भारत के उपमहाद्वीप में आदि मानव का विकास कैसे हुआ था, वो किस प्रकार से यहाँ रह रहा था, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि अपनी जो आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता भोजन है, शुरुआत की ये है। शुरुआत में जो इतिहास में देखेंगे, आदि मानव का देखेंगे, तो भोजन की जो आवश्यकता थी वो शुरुआत की थी। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से वो रखते थे, किस प्रकार से आखेट करते थे, किस प्रकार से वो चयन करते थे कि ये खाने की चीज़ें, वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पैराग्राफ 1 है, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर इन्हें हम इस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के रूप में जो इसमें दिया ना, खाद्य आखेट व खाद्य श्रृंखला, तो ये क्या है, एक भोजन की विधि के आधार पर इसका नाम पड़ा है। तो इसमें क्या करते थे, आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली लोग जंगल से जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, फिर वो मछलियों का, चिड़ियों का, और जो शाकाहारी होते थे या अन्य चीज़ें होती थी जैसे कि फल फूल है, दाने हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं, अंडे हैं, इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य श्रृंखला के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ऐसा करने के कई कारण थे, जैसे कि इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। मुख्य रूप से 4 कारण थे कि वो लोग खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में सक्षम कैसे थे। तो सबसे पहले है, पहला कारण यह है कि वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के जो फल फूल है, पेड़ पौधे हैं, वो समाप्त हो जाते थे, यानी कि उनका आबादी इतनी थी कि वो आसपास के क्षेत्र को खा लिया करते थे, खाने के बाद में क्या है, वो उस जगह को छोड़ देते थे।
यानी कि वहाँ पर भोजन की श्रृंखला वो समाप्त हो जाती थी, तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो उस जगह को छोड़ते और दूसरी जगह पर पलायन कर देते थे। तो नंबर एक तो ये था। दूसरा नंबर है, जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशियों पर चारा ढूंढने के लिए जगह दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि वो आदि मानव अपने जानवरों को पालते थे, वो अपने जानवरों को चराते थे, उस क्षेत्र में भी मान लो कि वो खाद्य चीज़ें थी वो समाप्त हो जाती थी या शिकार करने के बाद में वो चीज़ें समाप्त हो जाती थी, तो वो उनका पीछा किया करते थे। कहने का मतलब जैसे कि हिरण है या अन्य जानवर हैं, खरगोश है, और भी कई प्रकार के होते थे, तो वो चीज़ें पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं, वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उनका पीछा करते और पीछा करने के बाद में उनका शिकार करते, तो वो वापस नहीं आते, वो वहीं पर रह जाते थे। फिर तीसरे नंबर पर है कि वो तीसरे नंबर पर है जैसे कि प्रकृति से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते थे, तो वो पेड़ पौधे से या फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो कई ऐसे पौधे होते थे जो मौसम के अनुसार उगते थे, उस मौसम के अनुसार उनका विकास होता, तो वो एक जगह जैसे कि मौसम के अनुसार समाप्त हो गए तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे, वहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला के पौधे होते थे उनको वो खाया करते थे, तो जैसे मौसम के आधार पर भी वो घूमते थे। चौथा कारण है जिसमें मतलब ये दिया हुआ है कि मानव जो प्रकृति है उसका जो उत्पत्ति है वो नदियों के किनारे या झीलों के किनारे हुई है, तो कुछ ऐसी जगह होती थी जो स्थायी रूप से मतलब पानी की व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि बारिश होती, बारिश के आधार पर वहाँ पर नदियाँ बनती, झीलें बनती, तो वो लोग वहाँ पर रहते, जब पानी समाप्त हो जाता था तो वो उन जगहों को ढूंढते थे जहाँ पानी के स्रोत होते थे। जैसे इसमें दिया है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और पौधों को पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये चार कारण थे कि मनुष्य अपना जीवन जो भारत के अंदर है आदि मानव किस प्रकार से किया करते थे। तो ये चार कारण है। अब अगला पॉइंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्व, ये जो जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा, पुरातत्वविद जो है विदों द्वारा जानकारी दी जाती है, जो उत्खनन के माध्यम से मिलती है, जिसमें कई प्रकार के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि हड्डियां मिली हैं, मांस मिले हैं और औजार मिले हैं पत्थरों के, उस आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार शिकार किया करते थे और किन औजारों से शिकार किया करते थे, वो अपनी खाद्य श्रृंखला को किस प्रकार लागू रखते थे, वो चीज़ें हैं। तो देखो इसमें, जिनका निर्माण उपयोग आखेट खाद्य श्रृंखला किया करते थे, यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, यानी कि उत्खनन के माध्यम से पुरातत्व विभाग ने पता लगाया है कि जो पत्थर के औजार है उनके साक्ष्य प्रमाणित रूप से मिले हैं और उसको कालक्रम के आधार पर बांटा गया है। फिर आगे दिया है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, जैसे कि वो पत्थरों से ही कुल्हाड़ी बनाते थे, पत्थरों से ही भाले बनाते थे और पत्थरों से ही अन्य नुकीली चीज़ें बनाते थे, जिससे वो शिकार करें या पेड़ पौधों की कटाई करें। उस समय धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पत्थरों के आधार पर उनका जीवन यापन हो रहा था। अपने फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने व पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ तो हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे बनाकर भाले और बाण जैसी हथियार बना लेते थे, जैसे कि बाण होती है या कुल्हाड़ी बनानी, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था लगा दिया, फिर उसको काम में लेते थे, तो इस आधार पर वो अपना जीवन यापन करते थे। कुछ औजार जैसे कि लकड़ियां आदि काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है, पेज नंबर 30 पर देखें तो
13 पर देखें तो रहने की जगह निर्धारित करना। अब एक मैप दिया हुआ है आपके सामने, देखना कि आप 13 नंबर पेज पे एक मैप देखेंगे तो इसमें उस समय के यानी कि प्रारंभिक जो मानव है उसका जो काल है, कालक्रम है, वो पाषाण काल माना जाता है। पाषाण काल के आधार पर वो स्थलों को उन्होंने विभाजित कर रखा है। तो आप इसमें मैप में देखेंगे संकेत दिया हुआ है, त्रिभुज है रेड कलर का, उसमें देखेंगे तो कुछ जगहों के नाम है जैसे कि भीमबेटका, फिर है उसंगी, फिर है कुरुन गुफाएं। तो ये तीन जगह दी हैं, ये उनके आरंभिक स्थल थे। एक बार किताब में देखें, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य श्रृंखला के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य श्रृंखला रखते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान भी चिन्हित किए हैं। कई पुरातत्व पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, क्योंकि जीवन के लिए पानी आवश्यक है तो वो लोग पानी के किनारे ज़्यादातर रहा करते थे। फिर इसके बाद में आगे की जो लाइन है वो है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि वो पत्थरों को तराशते थे, तराशने के बाद में उनके औजार बनाते थे और फिर उनको उपयोग में लेते थे। तो पत्थर भी कई प्रकार के, जैसे कि मतलब भुरभुरे पत्थर होते हैं या कठोर पत्थर होते हैं, तो उस आधार पर वो स्थल ढूंढा करते थे। इस आधार पर ये टॉपिक समाप्त है। फिर इसके बाद में पुरास्थल का मतलब क्या है। पुरास्थल वो स्थल कहलाते हैं जहाँ पर हमें पुराविदों द्वारा या पुरास्थल विभाग द्वारा खुदाई के माध्यम से औजार, बर्तन या ऐसे अवशेष जो उनके रहने के साक्ष्य मिले हैं, जो नदियों के किनारे या समुद्रों के अंदर भी मिले हैं, वो पुरास्थल कहलाते हैं। जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पुरास्थल है, मोहनजोदड़ो है, ये पुरास्थल हैं, कालीबंगा है, ये पुरास्थल है, ये खुदाई के माध्यम से पता चला है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट है कि आदि मानव ने आग का आविष्कार किस प्रकार किया था। तो ये जो पॉइंट है ये हम आपको अगली कक्षा में अध्ययन कराएंगे। जो मैंने अभी पढ़ाया है ये आप अच्छी तरह से अपनी बुक में एक बार फिर से रिपीट करें और याद करें।